Hello everyone, so today date is 15th February 2024. We are going to solve some PYQs of mechanical properties of fluid chapter. अभी हमने पीछे mechanical properties of solid chapter के PYQs cover किए. काफी छोटा chapter था, 11 PYQs थे, हमने उनको अच्छे से solve किया है. Similar chapter ये भी हमारे पास है, ठीक है. तो इसके भी काफी कम ही PYQs है, काफी छोटा chapter है. जैसे पीछे हमारा formula based वो chapter था, ऐसे ये भी है. इतना मुश्किल नहीं है. दो तीन चैप्टर हमारे पास जो है 11th की फिजिक्स में और कुछ 12th में, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर भी थोड़ा सा टफ में आ ही जाता है वो भी, पर इतना भी नहीं एक बार समझ ले तो. ये कुछ चार पांच चैप्टर ऐसे हैं जो काफी छोटे हैं और मार्क्स स्कोरिंग साबित हो सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. इन अ यूट्यूब, जैसे कि हमको यहाँ पे वो वाला यूट्यूब नहीं है वो, ये ठीक है, आपको फिगर से दिख भी रहा होगा. इन अ ट्यूब जो कि हमें इस फिगर में दिखाया गया है, वाटर और ऑयल जो है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द ट्यूब में रिस्पेक्टिवली है. यानी लेफ्ट साइड में हमारे पास यहाँ पे वाटर है, ये दे रखा, और राइट साइड में हमारे पास क्या है, ऑयल है. तो जो हाइट है फ्रॉम बॉटम ऑफ द वोट, जो वाटर है उसके बॉटम से और ऑयल कॉलम के बॉटम से, जो इन दोनों की हाइट है वो कितनी है, 15 और 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली है. तो जो डेंसिटी होगी ऑयल की, इस ऑयल की डेंसिटी यहाँ पे पूछी गई है कितनी होगी. डेंसिटी को हम रो से भी कंसिडर करते हैं, आपको पता होगा. यहाँ पे जो पाई की वैल्यू वाटर की वो हमें गिवन है 1000 kg/m³. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और बिल्कुल ईजी, मतलब जितना बड़ा आपको दिख रहा होगा से पढ़ लिया, आप ये सोच रहे होगे कैसे निकालेंगे अब इसको हम, लेकिन मैं बता देती हूँ बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये हमारे पास. देखो, आई थिंक स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है. प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, ये लिखेंगे. तो यहाँ पे जो ए की अगर मैं बात करूं, ए पे हमें दे रखा है कितना, हाइट ऑफ वॉटर की 15 सेंटीमीटर, यानी कि पी ए प्रेशर ऑफ ए प्लस यहाँ पे कितना है 0., यहाँ 15 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 0.15 × 10⁻³ इंटू जी इज इक्वल टू, यहाँ पे सिमिलरली इसके केस में पी ए प्लस में 0.20 इंटू डी नोट जी, ठीक है, ये हम लिख देंगे. तो डी नोट यानी कि हमें डेंसिटी निकालनी है, यहाँ पे डी से भी डिनोट कर सकते हैं, कई जगह कई चैप्टरों में रो से भी इसको डिनोट किया जाता है. खैर हमें डी से करना है इस चैप्टर में, तो डी यूज करेंगे. तो 0.15 × 10³ / 3/20 आप इसको सोल्व करोगे, 750 kg/m³ आंसर आ गया. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, वैल्यूज आपको दे रखी थी क्वेश्चन में, उसको जस्ट आपने फॉर्मूले में पुट करना है और यहाँ पे सोल्व करके आंसर हमारे पास आ जाएगा 750 kg/m³. ध्यान इस बात का रखना है कि आपको आंसर जो है किस यूनिट में दे रखा है, उसी के अनुसार आप जो है जो क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी है उनकी यूनिट को चेंज करोगे. इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार इन चीजों से गलत हो सकता है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक यूट्यूब है जैसे पीछे हमारे पास थी, विद बोथ हैंड्स ओपन, दोनों एंड उसके ओपन है, जैसे इसके दोनों एंड्स ओपन है 2 atmosphere के लिए, इज पार्शली फिल्ड विद वॉटर, पार्शली आधा वो वॉटर के साथ भरी हुई है. ऑयल विच इज इमिसिबल इन विद वॉटर, इमिसिबिलिटी क्या होती है, देखो यहाँ पे बात करेगी ऑयल, वॉटर के और वॉटर और ऑयल कभी मिक्स हो सकता है, बिल्कुल नहीं. पानी के ऊपर आपको तेल तैरता हुआ नजर आएगा हमेशा, तो ऑयल जो कि वॉटर में इमिसिबल होता है यानी मिल नहीं सकता, इज पोर्ड इन टू वन साइड, उसको एक साइड पे बिल्कुल पोर कर दिया, एक साइड पे उसको, पोर का मतलब होता है कि उसको एक साइड पे रिता लिया, आप क्या कुछ भी समझ सकते हो, समझ गए होगे. अनटिल इट स्टैंड, जब तक, कब तक ऐसा किया गया उसमें डालते गए, जब तक कि वो 10 mm की जो है उसने डिस्टेंस को अटेन नहीं कर लिया वाटर लेवल से, वाटर लेवल से 10 mm ऊपर जब तक नहीं उसका जो है डिस्टेंस उसने अटेन किया तब तक उसको पोर किया. मीन वाइल जो वॉटर है राइजेज बाय, वो 65 mm तक राइज कर गया, 65 mm तक राइज किया, अभी इस डायग्राम को भी समझेंगे उसके ओरिजिनल लेवल से. तो डेंसिटी ऑयल की बतानी है कितनी होगी. यहां पे देखो ये ऑयल है, ये वॉटर है, ये जो है अपनी, ये इसकी इनिशियल थी, इनिशियल से ये 65 mm जो है ऊपर रिंस कर गया, ठीक है वॉटर. यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, ऑयल, यानी कि जो कि 10 हमको दे रखा था आई गेस, राइट, जब तक वो 10 जो है क्या, 10 हमारे पास क्या mm, हाँ, ऊपर नहीं गया उसके वॉटर के लेवल से तब तक इसको पोर किया गया, जिसकी वजह से जो है वॉटर का लेवल इंक्रीज हो गया, उसके ओरिजिनल लेवल से 65 mm राइज कर गया. यहाँ पे पूछा डेंसिटी, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन के जैसे ही है, स्पेस बना के कर लेंगे इसको.
नहीं रहने देंगे इसे, इतना इतना ही बहुत है. देखो जो हाइट है ऑयल की इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल, हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इज इक्वल टू हाइट ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला याद रखोगे, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी. सो हम लिख सकते हैं हाइट के प्लेस पे पी नोट जी इंटू 140 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 इज इक्वल टू पी ओमेगा जी इंटू 130 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. राइट, सारी वैल्यूज हमें गिवन है, वही मैंने पुट किया. तो रो ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 130 अपॉन 140 रो ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 130 अपॉन 140 इंटू क्या आएगा 10 रेज टू पावर माइनस 3, 10 रेज टू पावर माइनस 3 सो इज इक्वल टू आ गया 928 के जी पर मीटर क्यूब. ये हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन के जैसे ही था, सेम हमारे पास वही क्वेश्चन आया था, वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन उसी के जैसा. तो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट होगा. नेक्स्ट देखो, इनकी जो है स्टेटमेंट ऐसे चैप्टर की काफ़ी बड़ी सी देते हैं ये, लेकिन सॉल्यूशन काफ़ी इजी होता है, तो इस बात से जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कितनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट या क्वेश्चन है, मुश्किल होगा नहीं. बस ध्यान से थोड़ा समझो, दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड है जिनकी डेंसिटीज रो एंड एन रो है, ठीक है, यानी कि एन ग्रेटर देन वन वैल्यू, उनको हमने कंटेनर में पुट कर दिया. जो हाइट है हर एक लिक्विड की, दोनों लिक्विड की बेसिकली, वो एच है. एक सॉलिड सिलेंडर जिसकी लेंथ है एल और एक डेंसिटी और उसकी डेंसिटी डी है, उसको हमने इस कंटेनर में दोनों को रख दिया, ठीक है. तो जो सिलेंडर है वो उसके एक्सिस के अलोंग वर्टिकली वो फ्लोट करेगा, उसके ऊपर तैरेगा, और जो लेंथ रो एल है यानी कि वन ग्रेटर देन ये पी सॉरी प्रेशर इनटू लेंथ इन द डेंसर लिक्विड में, तो डेंसिटी डी बतानी है इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी डेंसिटी डी, वो यहाँ पे हमसे पूछा गया है. तो स्पेस बना लेंगे इसको सोल्व करने के लिए. एज वी नो प्रेशर पी जो है वो वी डी जी के इक्वल है हमारे पास, ठीक है, वॉल्यूम डेंसिटी ग्रेविटी, ये पता होगा आपको फॉर्मूला. अभी हम दो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करके आए हैं. सो ये हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन के अनुसार, ये रो हो गया, ये इसकी डेंसिटी हो गई, ये वन माइनस पी इंटू एल, क्योंकि ये क्या है प्रेशर इंटू लेंथ, ये क्या होगा एन रो, ये हमारे पास है क्वेश्चन की डिटेल के अनुसार. तो यहाँ पे हमने इसको जो है अपने क्वेश्चन के अनुसार लिख लिया, बना लिया बेसिकली. तो हेयर लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेंसिटी इनटू जी इज इक्वल टू प्रेशर एल ए एन रो जी प्लस वन माइनस पी एल ए रो जी. इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा डी इज इक्वल टू वन माइनस पी रो प्लस पी एन रो इज इक्वल टू, आंसर आएगा फाइनल वन प्लस एन माइनस वन पी रो, ये हमारे पास आ जाएगा. और क्या कुछ यहाँ पे मैंने लिखा उन सबकी एक बार वैल्यूज लिख देती हूँ मैं. जब एक बॉडी ऑफ वॉल्यूम किसी भी लिक्विड के ऊपर फ्लोट करती है तो जो वेट होता है बॉडी का वो क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं अप थ्रस्ट. अप थ्रस्ट एक वैल्यू एक टर्म होती है जिसका मतलब बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा ऐस मतलब कि, क्योंकि कई सारे ऐसे थ्रस्ट अप थ्रस्ट वगैरह ये तो कन्फ्यूजन हो जाती है. तो इसका मतलब क्या होता है, जब एक बॉडी ऑफ वॉल्यूम जिसकी वॉल्यूम वी एक लिक्विड के ऊपर फ्लोट करे तो जो वेट होता है बॉडी का उसको वो किसके अप थ्रस्ट के इक्वल होता है, यानी कि वी रो जी इज इक्वल टू इनसाइड, ठीक है, वॉल्यूम इनसाइड सिग्मा जी. यहाँ पे वी जो है ये क्या होती है वॉल्यूम ऑफ बॉडी, रो क्या है डेंसिटी ऑफ बॉडी, और म्यू क्या है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ये चीजें याद रखनी है आपको, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इस वजह से मैं यहाँ पे अलग से लिख के बता रही हूँ. वी इन क्या है वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ये क्या है वॉल्यूम, वो वी इन यानी कि इनसाइड वो वॉल्यूम है ये बॉडी की जो कि इमर्स्ड इन लिक्विड, जो कि लिक्विड के अंदर इमर्स हो गई यानी कि अंदर घुल गई, इमर्स्ड इन वॉटर. तो ये ओवरऑल सारी टर्म्स मैंने आपको बता दी हैं जो भी कुछ था इनका. तो अब यहाँ पे इसका आंसर एक बार देख लेंगे क्या होगा. सो करेक्ट आंसर क्या था हमारे पास, एन प्लस नहीं था, प्लस नहीं था,
एन यहाँ पे टू नहीं था हमारे पास, वन प्लस एन माइनस वन पी, ये डी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which is fourth question, जो approximate depth यानी गहराई है क्वेश्चन की वो कितनी है 2700 meter, compressibility जो है water की वो कितनी है 45.4 × 10⁻¹⁻ pascal, क्या बोला है approximate depth एक क्वेश्चन की 2700 meter है, compressibility water की 45.4 × 10⁻¹⁻ pascal है, और जो density है water की वो 10³ kg/m³ है, क्या फ्रैक्शनल कंप्रेशन जो है वाटर का हम ऑब्टेन कर पाएंगे बॉटम ऑफ द सी में। यहाँ पे फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर पूछा गया है जो ऑब्टेन होगा एट बॉटम ऑफ द ओशन, तो ये पूछा गया, तो सोल्व करते हैं इसको थोड़ा सा स्पेस बनाकर, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा स्पेस बना के सोल्व करते हैं। देखो जो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं, यानी कि K इज इक्वल टू 45.4 × 10⁻¹⁻ pascal, ये हमारे पास होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं, यानी कि P इज इक्वल टू, यानी कि रो इज इक्वल टू 10³ kg/m³। डेप्थ ऑफ ओशन यानी कि हाइट इज इक्वल टू कितना 2700 meter। वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा वी अपॉन वी, ये हमें निकालना है। हम जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आप उसको याद कर लें, के इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी अपॉन पी, ये होता है हमारे पास। और यहाँ पे पी इज इक्वल टू पी की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, डेंसिटी इंटू जी इंटू एच, ये होती है हमारे पास फॉर्मूला है। एग्जैक्ट फॉर्मूला याद रख लेना, हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद देखो, सो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू के रो जी एच, सारी वैल्यूज आपके पास है, चारों की चारों वैल्यूज आपके पास है, सोल्व करोगे आंसर आएगा 1.2258 × 10⁻²। ये आ जाएगा आपके पास आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया, आप देख लेंगे कौन सा जो है इससे ऑप्शन मैच करेगा, यानी कि फोर्थ का बी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन राइजिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ आ लेक, मतलब कि जो लेक का बिल्कुल बॉटम होता है वहां से राइज करने पर टू द टॉप, मतलब कि बॉटम टू टॉप जो है राइज कर रहा है, टेम्परेचर एक एयर बबल का रिमेन्स अनचेंज, जो टेम्परेचर है देखो राइजिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जो टेम्परेचर है एक एयर बबल का वो अनचेंज्ड है, अनचेंज्ड रहा है, यानी कि टेम्परेचर में उसका कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन उसका डायमीटर जो है डायमीटर उसका डबल हो गया, डायमीटर गेट्स डबल। अगर एच जो है इसकी बैरोमेट्रिक हाइट है एक्सप्रेस, जो कि मीटर में एक्सप्रेस्ड हो रखी है मरकरी के, ऑफ रिलेटिव डेंसिटी रो एट द सर्फेस ऑफ द लेक, तो डेप्थ बतानी है लेक की कितनी होगी, जो सर्फेस होता है ना लेक का वहां पे जो डेप्थ है लेक की वहां से कितनी होगी वो यहाँ पे हमें बतानी है। देखो जितना बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है बिल्कुल इजी, एक लाइन का आपको फॉर्मूला पता होगा ना वहीं से सोल्व हो जाएगा, फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला ही पूछा गया है। एच रो जी इन टू, यहाँ पे वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 4π/3πr का पाई आर टू, डबल हो गई यानी कि 2r³, डबल हो गई यानी कि रेडियस 2r हो गई, 2r का होल क्यूब। यहाँ पे सोल्व कर दो, ये आप जब सारी वैल्यूज को पुट करके सोल्व करोगे तो h इज इक्वल टू 7ρhm, ये आपके पास वैल्यू आएगी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल ये फॉर्मूला तो आपको पता ही था, यहाँ पे रेडियस के प्लेस में 2r, सारी वैल्यूज जो दे रखी है पुट करोगे आंसर आ जाएगा h इज इक्वल टू 7ρhm, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 7ρhm, ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जो कंप्रेसिबिलिटी है वाटर की इज वो कितनी है 4 × 10⁻¹⁵ पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी वाटर की हमारे पास कितनी है 4 × 10⁻¹⁵ पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ 100 cm³ ऑफ वाटर, क्या बताना है कितना डिक्रीज आया है किसकी वॉल्यूम में, वाटर की वॉल्यूम में, जो कि 100 cm³ वाली वाटर की वॉल्यूम में कितना डिक्रीज आया अंडर अ प्रेशर ऑफ 100 atmosphere वाले प्रेशर के अंडर कितना डिक्रीज आया है, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। सिंपल वही फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, k इज इक्वल टू 1/b, जो कि फॉर्मूला आप याद रख लेना, एग्जैक्ट फॉर्मूला बार बार क्वेश्चन में यूज होगा। p आपको कितना दे रखा है 100,
राइट 100 दे रखा है, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू कितना दे रखा है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि ये बताया था मैंने, ये 4×10⁻¹⁵ दे रखा है, वॉल्यूम कितनी दे रखी है 100 cm³, सारी वैल्यूज पुट करोगे आंसर क्या आएगा 0.4। बिल्कुल मैंने क्या बोला था, मैं इस वजह से कह रही हूँ, जो ये 2-3 चैप्टर हमारे पास है इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुल गिने चुने वो है अपने फॉर्मूलेज हैं, उनको अच्छे से दिमाग में रखो, क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक स्मॉल होल जो है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm² है इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ अ एक फुल्ली फिल्ड ओपन टैंक है जिसकी हाइट 2 meter है, उसके बॉटम के पास क्या रखा है, मतलब पास रखा नहीं है, एक होल है उसके बॉटम के बिल्कुल नजदीक जो कि 2 mm² के एयर सेक्शन मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है। टेकिंग जी की वैल्यू हम 10 m/s² कंसीडर करेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो ओपन होल है वहां से उससे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर निकलेगा वुड बी नियरली वो कितना होगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे हम। देखो जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ऑफ रेट ऑफ लिक्विड फॉर्मूला उसका होता है, याद रखोगे क्यू इज इक्वल टू ए यू इज इक्वल टू ए यू के प्लेस पे आप √2gh पुट करते हो। अगेन फॉर्मूला याद रखना आपको, ठीक है, कैसे कहां से फॉर्मूला है इससे हमें बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे पास है 2 meter हाइट का, सारी वैल्यूज पुट करोगे कितना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2×10⁻¹⁶ m², राइट इनटू 2 × g कितना दे रखा है 10 इनटू हाइट कितनी है 2 meter। क्या मुझे आगे बताने की भी आवश्यकता थी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैंने कहा था, जहां बस फॉर्मूला आपको पता चल गया क्वेश्चन में कौन सा अप्लाई करना है, क्वेश्चन आगे बिल्कुल सोल्व अपने आप होता चला जाएगा और यहाँ पे आपको जो है ये ठीक से कैलकुलेशन करनी है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा 12.6×10⁻¹⁶, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, एक विंड विद स्पीड, हवा जो है 40 m/s की स्पीड के साथ ब्लोज पैरेलल, एक छत, एक घर की जो है छत है उसके पैरेलल जो है वो विंड ब्लो कर रही है, ठीक है, जिसकी स्पीड 40 m/s है। जो एरिया है रूफ का यानी छत का जो एरिया वो 250 m² है। अज्यूम करना है कि जो प्रेशर है घर के अंदर वो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, तो जो फोर्स होगी जो विंड यानी कि जो हवा है उस रूफ के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट करेगी एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी, तो कितनी वो फोर्स एग्जर्ट करेगी और उस फोर्स की कितनी डायरेक्शन होगी ये हमें यहाँ मतलब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। अगर मैं एयर की डेंसिटी की बात करूं तो वो कितनी दे रखी है हमें 1.2 kg/m³, ये हमें दे रखा है ऑलरेडी। सो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हम जो है बर्नौलीज थ्योरम का कंसेप्ट यूज करते हैं और इसमें क्या है वो अभी इस क्वेश्चन के जरिए हम थोड़ा सा समझ लेंगे। देखो मैं आपको ये बना के दिखा देती हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए इस क्वेश्चन की। ये है हमारे पास घर, ये है उसकी रूफ, ठीक है, ये रूफ है ऊपर, इसके पैरेलल हवा ब्लो कर रही है, ठीक है, इसके अंदर जो है मतलब घर के अंदर पी नोट एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो ये प्रेशर जो है इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो विंड भी प्रेशर एग्जर्ट कर रही होगी, तो वही तो हमें निकालना है। तो देखो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम ये चीज होती है प्रेशर प्लस हाफ डेंसिटी वी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी नोट प्लस जीरो, ये होता है यानी कि सो एक बर्नौलीज थ्योरम का ये फॉर्मूला होता है डेल्टा पी इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वेयर, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी ए इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वेयर ए, यहाँ पे एरिया पुट करेंगे ऑब्वियसली, एरिया की यहाँ पे हमसे बात कर रखी है, सो 1/2 × डेंसिटी कितनी है 1.2 × ये अपना वॉल्यूम 40 का स्क्वेयर 40 × 40 × एरिया कितना है 250, सो इसको जब आप सोल्व करोगे ये हो गया 10, तो 2 6 6 3 5 5 8, यहाँ पे आप इसको अब सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.4×10⁵ न्यूटन, और ये किस साइड होगी अपवर्ड्स, ऊपर की साइड ये जो है फोर्स यहाँ पे लगती है किस साइड, देखो ये जब नीचे की साइड यहाँ पे लगेगी तो ये क्या लगेगी इसको अपोज करेगी, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में, कि घर से जो नीचे की साइड रूफ पे जाओ रूफ की तरफ अगर बात करोगे तो वो अपवर्ड ही तो कंसिडर करेंगे ना हम उसको, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आया है क्या आया है
2.4 इंटू 10 इज टू पावर 5 न्यूटन अपवर्ड्स, ये आया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है एक स्प्रे पंप की, स्प्रे पंप आपने देखा होगा ठीक है, उसकी एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है अंदर की साइड, जिसकी रेडियस जो है कितनी आर है, वन एंड ऑफ विच, जिसकी एक एंड जो है उसके पास एन फाइन होल्स प्रेजेंट है ईच ऑफ रेडियस, और उनकी उसकी रेडियस क्या है, आर है। अगर स्पीड लिक्विड की इन द ट्यूब इज, अगर लिक्विड की जो स्पीड है ट्यूब में वो क्या है, वी है, तो स्पीड बतानी है ऑफ द इजेक्शन ऑफ लिक्विड थ्रू द होल्स। तो इजेक्शन यानी कि निकलने की, इजेक्शन का मतलब होता है बाहर की साइड जो चीज निकले, तो स्पीड ऑफ इजेक्शन बताना है, लिक्विड की इजेक्शन की स्पीड कितनी होगी उस होल के थ्रू, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। स्पेस बना के सोल्व करेंगे, थोड़ा सा कंजेस्टेड नहीं होगा फिर। देखो जो इनफ्लो यानी कि अंदर की साइड जो फ्लो ऑफ रेट होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का किसके इक्वल होता है, आउटफ्लो रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी कि इनफ्लो रेट वॉल्यूम की बात करें तो पाई आर स्क्वायर वी राइट इज इक्वल टू अंदर की साइड पाई एन राइट, एन हमको दे रखा था क्वेश्चन में, एन क्या दे रखा था, एन के कंसीडर में कुछ था राइट, पाई एन पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू वी, सोल्व करेंगे इसको, ये वी को हम बाहर ले लेंगे, स्मॉल वी को इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर वी अपॉन एन पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा पाई से पाई कट गया, सो क्या आ जाएगा, वी आर स्क्वायर अपॉन एन आर स्क्वायर, ये आ गया। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन था ये हमारे पास। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आया है, नाइन्थ का ए, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास टेंथ क्वेश्चन है, अ फ्लूड इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक फ्लूड जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में है एक हॉरिजेंटल पाइप, हॉरिजेंटल यानी ऐसी पाइप जो होती है उसके थ्रू उसके कंटेक्स्ट में बिल्कुल जो है क्या है, अक्रॉस हॉरिजन स्ट्रीमलाइन फ्लो में है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल यानी अलग अलग है। फॉर दिस, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, यहाँ पे आपको सिंपल स्ट्रीमलाइन फ्लो के कंटेक्स्ट में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। जो वेलोसिटी होगी वो नैरोएस्ट यानी कि ये नैरोएस्ट पॉइंट मान लो इसका आप ठीक है, और ये यहाँ पे इसका वाइड, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम, गलत है, वेलोसिटी यहाँ पे मिनिमम नहीं होगी, वेलोसिटी जो जहाँ पे भी नैरोएस्ट पॉइंट आता है ना वहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होती है, और प्रेशर इज मिनिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट, प्रेशर बिल्कुल ठीक है, हाँ प्रेशर तो देखो जो वाइडेस्ट पार्ट होता है वहाँ पे कम लगेगा ही, एरिया ज्यादा हो गया, लेकिन मिनिमम नहीं होती वेलोसिटी, नैरोएस्ट वाले एरिया में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द नैरोएस्ट पार्ट एंड द प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइड, बिल्कुल ठीक है, हाँ मैक्सिमम में प्रेशर वो होता है ज्यादा होता है, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको मिनिमम बता दिया, लेकिन जो वाइडेस्ट पार्ट होता है पाइप का वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे क्या है लिक्विड जा पाएगा, तो प्रेशर ज्यादा होगा अल्टीमेटली, करेक्ट ऑप्शन बी आएगा, वेलोसिटी प्रेशर बोथ आर मैक्सिमम एट द नैरोएस्ट, नहीं बिल्कुल गलत, बी यहां पे हमारे पास ऑप्शन ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम के अनुसार P प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि जो ए वी जो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी वो कॉन्स्टेंट होगी, अगर एरिया मिनिमम है वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, बस ये चीज याद रख लेना, ये जो बात मैं यहाँ पे बता रही हूँ, एरिया अगर क्या है मिनिमम है यानी कम है तो उस दौरान वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम रहेगी, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा और प्रेशर कम, ये चीज याद रखनी है, एरिया कम है तो प्रेशर भी कम होगा लेकिन वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जद्दोजहद होगी वहां पे। अब आप एक आइडिया लगा लो, बहुत एक क्राउडेड एरिया है ठीक है, मतलब आप एक मान लो कहाँ हो, एक छोटे से कमरे में हो, वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, छोटा सा उसका दरवाजा है, बहुत सारे लोग है, और वहां से उस छोटे से दरवाजे में निकलने के लिए उस दरवाजे से काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ेगा राइट, तो वहां पे क्या है वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये इस तरीके से आप जैसे भी अज्यूम करना चाहो, इट्स ऑल अप टू यू, टोटली अप टू यू, आपकी मर्जी है कैसे इसको याद रखना चाहोगे, याद रख सकते हो, वैसे बहुत इजी है ठीक है, ये चीज ये फिनोमेना आपको याद रख लेना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल्स है, दो छोटी छोटी क्या है स्फेरिकल मेटल की बॉल है, हैविंग इक्वल, जिनका मास इक्वल है, और आर मेड फ्रॉम मटेरियल ऑफ डेंसिटीज रो वन एंड रो टू, और वो किससे बनी है, डेंसिटीज रो वन और रो टू से बनी है, और ये चीज याद रखनी है, यहाँ पे दे रखा हमको रो वन इज इक्वल टू 8 रो टू,
ठीक है, आठ गुना है ये रोवन की, कौन सी, रो टू, एंड हैव रेडियाई ऑफ रेडियाई इनकी 1 mm और 2 mm रिस्पेक्टिवली, दे आर मेड टू फोल्ड वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि वर्टिकली यानी ऊपर की साइड से इनको बिल्कुल फ्रीली फोल्ड कर दिया गया एक विस्कियस मीडियम में, यानी कि एक मतलब ऐसे गाढ़े से मीडियम में, जिसका कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी जो है इक्वल्स टू एन, ये हमारे पास इसका कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी हमेशा ये होता है एन, ठीक है, जिसकी डेंसिटी 0.1 रो टू है। रेशियो बताने उनके टर्मिनल वेलोसिटीज की क्या रेशियो होगी वो यहाँ पे हमें बताना है। तो देखो स्पेस बना के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि वीटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इसका रो माइनस, ये अपना रो माइनस म्यू इंटू जी, और स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि रो क्या होता है और म्यू क्या होता है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बार बार। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें दे रखा है 2 × 1 का स्क्वायर अपॉन 9 रो एन, ये कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है रो 1 माइनस 0.1 रो 2 जी, ये सारी चीजें ऑलरेडी जो है क्वेश्चन में गिवन है, सो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे सिंपली अपनी वैल्यूज पुट करके सोल्व करते चलना है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 ये हो जाएगा 8 रो 2 माइनस 0.1 रो 2 इंटू जी, ये आ जाएगा। वी टी टू की बात करूं इज इक्वल टू 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 9n, यानी कि रो 2 माइनस 0.1 रो 2 इंटू जी। सो वी टी वन अपॉन वी टी टू इज इक्वल टू 7.9 अपॉन 4 × 0.9, यानी कि आंसर हमारे पास आएगा 79/36, ये आ गया। दोनों को दोनों के अलग से निकाल लेनी और दोनों को फिर इक्वेट कर देना है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 79/36। नेक्स्ट हमारे पास है एक स्मॉल स्फीयर ऑफ जिसका रेडियस कितना है आर, फोल्स फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से जो है फोल्ड किया उसने एक विस्कियस लिक्विड में, एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू हीट, जो है विस्कियस फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो गई, जो विस्कियस फोर्स लगी उसके ऊपर उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो गई। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट जो है हमें बताना है, जब स्फीयर जो है अटेन कर लेता है टर्मिनल वेलोसिटी को इज प्रोपोर्शनल टू, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, क्वेश्चन समझिए दोबारा। एक स्मॉल स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, रेस्ट से उसने फोल किया, वो गिर गया एक विस्कियस लिक्विड में, जिसकी वजह से हीट वहां पे प्रोड्यूस हुई, मतलब कि हीट प्रोड्यूस हुई किसकी वजह से, विस्कियस फोर्स की वजह से। रेश ऑफ जो रेट है प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट के प्रोडक्शन का जो रेट है, जब स्फीयर अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लेता है इज प्रोपोर्शनल टू, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। सो देखिए पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 πnRVT·VT, ये फॉर्मूला होता है भाई इसका, मैं आपको स्टोक्स फॉर्मूला बताती हूँ अगर कहीं पे बात हो तो, फोर्स इज इक्वल टू 6 πnVTr, ये होता है स्टोक्स फॉर्मूला, इसके अनुसार ये फॉर्मूला हमने निकाला काफी इजी, ठीक है, मतलब याद रखना है, इजी तो क्या है, जितना याद रख सकते हो जितना रट्टा मार सकते हो फॉर्मूला का मारो, ठीक है, सच बता रही हूँ, कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछी जाती आपसे इतना मेजरली, तो आप फॉर्मूलों को याद रखें चैप्टर वाइज अच्छे से। वीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के स्क्वायर के, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9R² रो माइनस म्यू अपॉन एन इंटू जी, यानी कि पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है R⁴ की, ये हमारे पास आ गया, यानी कि आंसर देख लो अब इसका क्या आएगा, R⁵ है, यानी कि डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, टर्मिनल वेलोसिटी वी आर, स्मॉल स्टील बॉल की जिसकी रेडियस आर है फॉलिंग अंडर ग्रेविटी एक कॉलम ऑफ विस्कियस लिक्विड ऑफ कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी एन, डिपेंड करती है उस बॉल के मास के ऊपर जिसका मास एम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर जी के ऊपर, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी एन और रेडियस आर, कौन सा रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूले की बात करी जा रही है। नोट दैट स्टोक्स
लो के अनुसार, अभी मैंने आपको पीछे स्ट्रोक्स का फॉर्मूला बताया है जो मैंने कहा था याद रखना इज इक्वल टू एम जी, ये फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एफ होता है, इज इक्वल टू हम एम जी लिख सकते हैं, यहाँ पे मास दे रखा जी दे रखा तो एफ के प्लेस में इज इक्वल टू एम जी हमने पुट कर दिया, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास इसका, करेक्ट ऑप्शन इज द सी वन, वी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एन, यहाँ पे देख लो आप इसको, ठीक है वी आर को आप बाहर ले लोगे तो अंदर आपके पास यही आएगा एम जी अपॉन आर एन, काफी इजी क्वेश्चन था फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक कैपिलरी ट्यूब है जिसकी रेडियस आर है, वो वाटर में इमर्स हो गई यानी घुल गई और वाटर जो है हाइट एच ऊपर हो गया, ऊपर बढ़ गया, ठीक है मास जो है वाटर का कैपिलरी में वो 5 ग्राम है, अनदर कैपिलरी ट्यूब जो है रेडियस 2 आर की वो इमर्स हो गई वाटर में, जो मास है वाटर का दैट विल राइज इन दिस ट्यूब, कितना मास ऑफ वाटर जो है इस ट्यूब में राइज करेगा ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। देखो जो फोर्स है किसकी, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, जो फोर्स लगती है सरफेस टेंशन की वो किसको बैलेंस कर देती है, बैलेंसेस द जो वेट होता है वाटर का, वेट ऑफ वाटर कैपिलरी ट्यूब में वाटर के वेट को कौन बैलेंस कर देता है, जो सरफेस टेंशन के ऊपर फोर्स लगती है वो, सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 2πRT cos थीटा इज इक्वल टू mg, अगेन फॉर्मूला यहाँ पे एक जो अलग से पेज पे आप इनका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो हमारे पास जो एक दो चैप्टर हैं ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और लिक्विड ये जो है हमारे पास इनके फॉर्मूले आप अलग से एक पेज पे लिख लें और उनको बैठ के रट लो। Fs इज इक्वल टू 2πRT cos थीटा mg, यहाँ पे टी और थीटा जो है दोनों कॉन्स्टेंट है, सो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, लेट एम वन और एम टू जो है बी द मास ऑफ वाटर इन टू कैपिलरी ट्यूब, दो कैपिलरी ट्यूब में एम वन और एम टू जो है मास होंगे वाटर के, ठीक है सो एम टू अपॉन एम वन इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन, एम टू अपॉन एम वन मास वन कितना है 5.0 दे रखा हमें ऑलरेडी, इज इक्वल टू आर टू यानी कि 2R अपॉन R, R से R यहाँ पे गया, R2 इज इक्वल टू 2R है वैसे मैं आपको बता दूं, सो 2 5 10 यानी कि M2 इज इक्वल टू आ गया 10 ग्राम, ये आ गया हमारे पास मास, काफी इजी क्वेश्चन था शायद फॉर्मूला अगर हमें पता होता तो स्टार्टिंग में, सो 10 ग्राम इसका करेक्ट आंसर है। एक सोप बबल है जिसका रेडियस ऑफ रेडियस कितना 1 mm इज ब्लोन फ्रॉम एक डिटर्जेंट का सॉल्यूशन है, उससे आपको पता होगा सर्फ वगैरह कुछ होता है शैम्पू वगैरह कुछ भी डिटर्जेंट का सॉल्यूशन होता है उसे ऐसे बबल से निकलते हैं, तो वही बात करेंगे एक जो बबल वहां से निकला वो 1 mm का है, हैविंग जिसका सर्फेस टेंशन हमें दे रखा है 2.5 × 10⁻²⁻²⁻ ये हमें दे रखा है, तो जो प्रेशर होगा बबल के अंदर वो जेड इज इक्वल सेट अप पॉइंट जेड नोट बिलो द फ्री सरफेस, जो फ्री सरफेस है वाटर का एक कंटेनर में वहां पे एक जेड नोट पॉइंट जो है उसके इक्वल है, टेकिंग जी की वैल्यू 10 m/s², डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 10³ kg/m³, तो वैल्यू बतानी है जेड नोट की क्या होगी, यहाँ पे स्पेस बना के सोल्व करेंगे। प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, सोप बबल के अंदर जो प्रेशर होगा पहले हम उसको कंसिडर करेंगे P0 + 4T/R, ये हमारे पास अंदर की साइड प्रेशर होगा, और जो प्रेशर एट अ पॉइंट बिलो सरफेस ऑफ वाटर वो कितना होगा बिलो सरफेस ऑफ वाटर, रो जी जेड नोट प्लस पी नोट, जहां पे पी नोट क्या है एटमोस्फेरिक प्रेशर, राइट अगर हम इनको इक्वेट कर दें इन प्रेशर को तो हमें क्या मिलेगा P0 + 4T/R इज इक्वल टू P0 + ρg Z0, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेट करने के बाद, जेड नोट को हम बाहर ले लेंगे, जेड नोट इज इक्वल टू 4T/R ρg, सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, जेड नोट इज इक्वल टू 4 × T कितना है
टी फोर 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, रेडियस कितना दे रखा 10 टू पावर माइनस 3 इंटू रो डेंसिटी 1000 इंटू जी 10 दे रखा, तो जेड की वैल्यू इज इक्वल टू आ गई 1 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन थी, सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा कितना 1 सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वॉटर राइजेस टू, जो वॉटर है वो एक हाइट एच तक उसने राइज किया एक कैपिलरी ट्यूब में, अगर लेंथ किसकी कैपिलरी ट्यूब की सरफेस से ऊपर, मतलब वॉटर के सरफेस से ऊपर इज मेड लेस देन एच, उसको बनाया ही एच से कम है किसको, सरफेस ऑफ वॉटर को, देन तो क्या आएगा यहाँ पे करेक्ट, देखो वॉटर राइजेज अप टू द टॉप, ठीक है वॉटर टॉप तक राइज करेगी कैपिलरी ट्यूब के और स्टेज देर बिल्कुल ठीक है और बिना ओवरफ्लोइंग के वहीं पे रहेगी। अब देखो इसका मैं आपको वो बता देती हूँ थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा, कैपिलरी ऑफ इनसफिशियंट, मतलब कि इनसफिशियंट लेंथ की कैपिलरी के केस में, दैट इज जिसमें हाइट जो है ग्रेटर देन लेंथ हो, जो लिक्विड है वो कभी भी ओवरफ्लो नहीं करता अपर एंड से, एक फाउंटेन के जैसे कभी भी नहीं करता, ना वो टिकल यानी कि जो वर्टिकल साइड होती है वहां से निकलता है ट्यूब के, ना वो वैसे निकलता, मतलब ओवरफ्लो करता ही नहीं है, जो लिक्विड है जब वो एक अपने अपर एंड पे रीच कर जाता है वो उसके रेडियस को बढ़ा देता है, उसके रेडियस का जो मेनिस्कस होता है, मेनिस्कस क्या होता है मान लो ये कैपिलरी ट्यूब है राइट ये जो ऐसे होता है या फिर ये कैपिलरी ट्यूब है ये जो होता है ना इसका, इसको बोलते हैं मेनिस्कस, तो इसको क्या कर देता है वो बढ़ा देता है बिना उसके नेचर को चेंज किए, तो ये होता है हमारे पास लिटिल ब्लूटोप्स, ठीक है वॉटर डस, ये गलत है। नेक्स्ट अब 17th क्वेश्चन की बात करेंगे, अ सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स जो है किसी भी लिक्विड के जिसका रेडियस आर है कोलिसिस टू फॉर्म, मतलब वो जुड़ जाते हैं एक सिंगल ड्रॉप बनाने के लिए रेडियस आर की और वॉल्यूम जिसकी वी होगी, अगर टी जो है उसका सरफेस टेंशन है किसका लिक्विड का, देन आगे रिलेशन बताना है इसका क्या से क्या होगा। देखो वॉल्यूम जो है वो सेम है यानी कि n इंटू 4 अपॉन 3 पाई आर का होल क्यूब, n इंटू इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास आएगा, यानी कि n को अगर हम बाहर निकाल लें और इसको सोल्व करें अंदर से तो आर क्यूब अपॉन ये पाई से पाई ये 4 3 ये गया तो आर क्यूब अपॉन आर क्यूब ये हमारे पास आ जाएगा। चेंज इन एनर्जी की अगर मैं बात करूं T डेल्टा A के इक्वल यानी कि T एरिया 4 पाई R स्क्वायर माइनस 4 पाई N 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर राइट, ये हमारे पास आएगा डेल्टा यानी कि चेंज इन एरिया A2 माइनस A1 ये होता है, तो एक में कैपिटल R एक में N 4 पाई स्मॉल R ये आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे आएगा 4 पाई T R स्क्वायर माइनस R के क्यूब अपॉन R क्यूब आर स्क्वायर ये हमारे पास आ गया इसको सोल्व करने पर, मतलब इसको बेसिकली अब आप सोल्व करोगे तो आएगा 3 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब टी 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन स्मॉल आर, सो हम बोल सकते हैं 3 वी टी ये क्या हो गया वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे 3 वी इंटू टी 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर, यहाँ पे जो आर है कैपिटल आर वो ग्रेटर देन स्मॉल आर से है, सो हम कह सकते हैं 3 वी टी 1 अपॉन आर यहाँ पे आर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन आर यानी कि इज रिलीज्ड ये रिलीज होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा 17th का, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, नेगेटिव साइन आर माइनस आर ये 4 नहीं आएगा यहाँ पे 3 था इस वजह से ये गलत हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आएगा नेगेटिव आएगा ये गलत है, इधर एनर्जी इज नीदर रिलीज नॉट अब्सॉर्ब ये गलत है रिलीज हुई एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वेटेबिलिटी होती है किसी भी सरफेस की एक लिक्विड के द्वारा वो प्राइमरी किसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि लिक्विड के द्वारा जो भी सरफेस की वेटेबिलिटी यानी जो गीलापन आता है उसमें डिपेंड्स प्राइमरी हो किसके ऊपर, प्राइमरली किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो सरफेस और लिक्विड के बीच का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उसके ऊपर हमेशा डिपेंड करती है। देखो जो वेटेबिलिटी होती है किसी भी सरफेस की एक लिक्विड के द्वारा प्राइमरली डिपेंड करती है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस, एक तो देखो ऐसे हो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ऐसे वाइड, एक जो ऐसे इस प्रकार हो कुछ
ये ऐसे हो, ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ऐसे नॉर्मली बन रहा हो, मतलब बेसिकली एंगल का फर्क होगा 190 डिग्री, 180, मतलब जो भी जिस भी प्रकार, अगर इफ एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, अगर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एक्यूट है तो लिक्विड वेट द सॉलिड एंड वाइस वर्सा, तो लिक्विड जो है सॉलिड को वेट कर देती है और वाइस वर्सा, ये सीन चलता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखे ना। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट प्योर वाटर और प्योर ग्लास के बीच का क्या होता है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट याद रखना है क्या होगा, 0 डिग्री होता है हमेशा, जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है प्योर वाटर और प्योर ग्लास के बीच का वो 0 डिग्री होता है। हम जानते हैं जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है वो एंगल होता है किसके बीच का, जो बिटवीन द टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है और जो सॉलिड सरफेस होता है उसके अंदर, ठीक है, लिक्विड के अंदर। प्योर वाटर और प्योर ग्लास के केस में जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है वो 0 होता है। ज्यादा दिमाग बेशक मत लगाना इसको, याद कर लेना लास्ट के दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है। सो इसी के साथ हमारे पीवाईक्यूज जो है इस चैप्टर के फिनिश हो गए हैं, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।